भाई अभी मैं मनीष भैया की शॉप पे बिल्कुल बाहर सामने खड़ा हूँ, और अभी शॉप 12 बजे खुलेगा तो अभी बंद ही दिखा था भाई। ठीक है, कम्युनिकेशन वाले का मनीष भैया का शॉप है, लेकिन अभी बंद है, 12 बजे खुलेगा। 12 बजे तक वेट करते हैं मनीष भैया का। 12 बजे आएंगे मनीष भैया। तो गाइस मनीष भैया ने मुझे गोल्डन वॉच कौन लेंगे ये गाइस कौन लेंगे मैम, बहुत टाइम से सुबह से वेट किया था मनीष भैया को मैं लेके दे रहा हूं। तो अभी हम मनीष भैया को मिल रहा है, बहुत दिन से सोचा था कि दिया हमारा दुबई की तरह गाइस। तो अभी सुबह 6 बजे है और हम निकल रहे हैं गाइस दिल्ली के लिए गाइस, क्योंकि हम रात को थोड़ी लेट हो गए थे तो इधर रुक गए थे दिल्ली के थोड़े करीब, तो आज निकल जाएंगे रात पहुँच जाएंगे गाइस। तो ये हमारा रूम था गाइस, देखिए। तो रात को मैंने कम्प्लीट रूम नहीं बताया था गाइस, दिखाया था, देख लीजिए। एसी वेसी वाला कम्प्लीट एसी वाला 800 रुपये में है, और बढ़िया सा इधर से व्यू आता है, लोकेशन दिखा था आपको बाहर का व्यू। सामने कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाहर का जो सामने ये दिल्ली एक्सप्रेस है, दिल्ली अजमेर, लेकिन गोफा में नज़र नहीं आ रहा होगा, ऐसा है बाहर का व्यू। बस हम निकल रहे हैं इधर से, क्योंकि आज पहुंचना है और आज पहुंच जाएंगे, और मनीष भैया मिलकर आज से रिटर्न हो गए, और जितना रिटर्न में खींचेंगे इतना खींच लेंगे गाइस। तो मिलते हैं बाहर जाके, ऐसा थोड़ा हमारा रूम था तो आपको रूम दिखा दिया, तो मिलते हैं गाइस आगे जाके। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो निकल चुके हैं गाइस अपने डेस्टिनेशन पे वापस फिर से। तो गाइस मेरे आगे की गाइस लाइट भी बिगड़ गई है, जो मेन लाइट है, पूरे दिन गाड़ी चला के गाइस मेरी बाइक की लाइट भी खराब बिगड़ गई है। जो मेन लाइट है गाइस वो ही बिगड़ गई है, तो आगे जाके कोई शोरूम वोरूम मिलेगा तो हम उन शोरूम को ढूंढेंगे, शोरूम मिल जाए तो अच्छा रहेगा यार, क्योंकि लाइट ठीक करवाना पड़ेगा यार। बिना लाइट को तो रात को मेरे को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कभी सुबह में जल्दी निकलना हो या तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, कभी सुबह सुबह में निकलना हो तो मैं निकल नहीं पाऊँगा इसलिए यार। और ये दिल्ली में गाइस बारिश का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए मैं रेनकोट भी लेकर ही आया हूँ गाइस, कि अपनी सेफ्टी खुद कंप्लीट करके ही आया हूँ। तो इधर चाय वाय पीते हैं फिर निकल रहे गाइस, क्योंकि मेरे को एक बिल भी लेना पड़ेगा अपना, घर पे छोड़ आया हूँ यार, मैं भूल गया था, याद ही नहीं था। तो गाइस मेरा मेन आगे की लाइट ही बिगड़ गई यार, क्या करे। इधर चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं गाइस, बस अब तो बहुत नज़दीक है गाइस, दूर जाने का नहीं है, बस इधर ही है। तो पहले चाय वाय पीते हैं फिर निकल जाते हैं गाइस अपने डेस्टिनेशन पे। तो पूछ लेते हैं एक बार चाय मिलेगा या नहीं, इधर तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं चाय मिल जाएगा तो इधर पी लेंगे फिर निकल जाते हैं गाइस। तो गाइस आगे चाह नहीं मिल रही, कोई था नहीं, लेकिन मिल नहीं रही थी ऐसा नहीं था, कोई था नहीं। तो इधर चाय वाय पीते हैं गाइस, ये दिल्ली एक्सप्रेस है, इधर से अब 100 किलोमीटर बाकी है, वो तो मैं अभी कवर कर लूँगा गाइस। पहले चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं गाइस मस्त बढ़िया से अपने डेस्टिनेशन पे। तो पहले अच्छे से चाय वाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं गाइस। गाइस मेरी गाड़ी को दिल से सैल्यूट है गाइस, कि मैं इतनी लंबी लॉन्ग राइड पे फर्स्ट टाइम आया यार, रास्ते में कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी गाड़ी है मेरी यार, सैल्यूट है अपनी बाइक पे, आई लव मेरी बाइक गाइस, क्योंकि बहुत बढ़िया गाड़ी है मेरी, कभी रास्ते में मुझे कभी नहीं रखा यार,
ये छोटी मोटी ये बल्ब तो बिगड़ गए, वो तो यार पूरे दिन गाड़ी चला के ही गर्म होकर ही बिगड़ गया यार। वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ यार, इसलिए मैं अपनी बाइक को सल्यूट कर रहा हूँ गाइस। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं सोलो राइड आया हूँ गाइस दिल्ली, मुझे कभी सोचा नहीं था गाइस मैं सोलो राइड में करूँगा ऐसे, इसलिए क्योंकि गाइस अकेले में कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या करेंगे यार, अकेला कौन क्या करेगा। वंदे मातरम जय श्री राम। तो गाइस अभी बाकी इधर से 50 किलोमीटर दिल्ली, तो आज तो हम मनीष भैया को मिलेंगे गाइस, मिल जाएंगे भाई। ड्रीम था मनीष भैया को मिलने का, और बहुत दिनों से सोच रहा था गाइस आज मैं मिल लूंगा यार, मैं कभी सोचा नहीं था गाइस कि मैं मिलने जाऊंगा, और आज मैं जाऊँ। मैं अभी इधर से गुड़गांव गए 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर, और दिल्ली 50 किलोमीटर है, 49। देखिए गाइस, तो हम गाइस थोड़ी देर में गुड़गांव एंटर करेंगे गाइस। लाइफ में हमने गाइस वीडियो में गुड़गांव देखा था, सब लोगों के भाई लोगों ने ब्लॉग में गाइस मैं देखता था कि भाई ये गुड़गांव है, ये दिल्ली है। आज मैं अपने लाइफ में गाइस मैं कभी सोचा नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में गाइस मैं देखूंगा, अपने आंखों से देखूंगा गाइस दिल्ली और गुड़गांव। मैं पहले व्लॉग में देखता था गाइस, आज मैं सच में रियल में देखूंगा गाइस। बस यार प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना यार ऐसे भाई लोग को गाइस, हमको थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है यार। तो गाइस अंदर बहुत बड़ा टनल था, लेकिन हमको जाना है दूसरी जगह पे, इसलिए वरना वो टनल में जाते गाइस। इधर देखा था गाइस प्रभजोत भैया का वीडियो, मैंने देखा था गाइस जब प्रभजोत भाई लोग इधर खड़े रहते थे, और ये टनल में गाड़ी चलाकर साउंड बढ़िया चेक करते हैं वो लोग, सुपर बाइक का। बहुत सारी गाड़ियाँ सुपर बाइक अंदर जाती हैं, तो बहुत खतरनाक वॉइस आता है गाइस इधर। हमको जाना है गाइस मनीष भैया को मिलने के लिए, हम बस अब पहुँच ही जाएंगे आज, 40 किलोमीटर है गाइस ये रास्ता है गाइस मनीष भैया के शॉप पे जाने का। वो मैप पे दिखा रहा है यार, मैप पे पता नहीं सही होगा गलत मालूम नहीं, मैप के भरोसे जा रहे तो देखिए गाइस अपनी गाड़ी कहाँ घूमती है यार दिल्ली में गाइस, सच में। तो हमारी गाड़ी गाइस दिल्ली में घूम रही, पता नहीं यकीन भी नहीं हो रहा गाइस कि मैं दिल्ली घूम रहा हूँ यार अभी। कभी ऐसा सोचा नहीं था गाइस कि मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन आज मैं दिल्ली घूम रहा हूँ यार। देखिए अरे गलत जगह पे आ गया मैं, तो गाइस अभी ये बहुत झड़िया है, वरना आपको मैं बुलेट ट्रेन दिखा था, तो बहुत बढ़िया ट्रेन है गाइस। तो हम दिल्ली में घूम रहे हैं, लेकिन अभी बहुत अभी ट्रेन गई है, आगे जा रही है, लेकिन दिखेंगे नहीं यार कैमरे में, नहीं दिखेंगे यार, ये पूरा झड़िया है ना सामने इसलिए नहीं दिखेंगे, वरना मैं आपको दिखा था अभी। बहुत बढ़िया ट्रेन थी गाइस, ये वो पटरी है देखिए, सिंगल पटरी,
गाइस बस हम पहुंचने वाले हैं, अभी 2 किलोमीटर बाकी है गाइस। अभी हम बिल्कुल करीब पहुंच गए नजदीक कम्युनिकेशन वाले मनीष भैया के पास। गुजरात से? हाँ। कितने दिन में पहुंचे? 2 दिन। 2 दिन में? हाँ। ये दुकान कितने बजे? 12 बजे खुलेगा। लोग मूंगफली खाओ। क्या? मूंगफली खाओ। अरे लो पकड़ो हेलमेट। अरे हेलमेट पहना, निकल देता हूँ। तो गाइस अभी मैं मनीष भैया की शॉप पे बिल्कुल बाहर सामने खड़ा हूँ और अभी शॉप 12 बजे खुलेगा तो अभी बंद है, दिखाता हूँ गाइस। ये जे कम्युनिकेशन वर्ल्ड का मनीष भैया का शॉप है लेकिन अभी बंद है, 12 बजे खुलेगा। 12 बजे तक वेट करते हैं मनीष भैया का। 12 बजे आएंगे मनीष भैया गाइस, तब तक वो कुछ फिक्र भी आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर मनीष भैया आएंगे तब मिलेंगे उनको। गाइस 12 बजे खुलेगा इसलिए इधर भी आते हैं, उनका वेट करते हैं मनीष भैया का। गाइस देखिए पीछे बोल रहे जे कम्युनिकेशन है ना, ये बिल्डिंग है गाइस जे कम्युनिकेशन की। तब मनीष भैया आएंगे तब उसका मिलते हैं मनीष भैया को। तब तक के लिए गाइस थोड़ा आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ गाइस, क्योंकि बैठता हूँ इधर आराम से। वाटर बॉल वाला दिखा दो माय यूट्यूब चैनल। अरे इनकी वीडियो निकाल के दिखा रहे हैं, इनका चैनल का नाम क्या है? Actually, they move from one place to another or recorded a specific video, for example, temple, etc. So he drives in front of the temple? Huh? But hopefully not in the temple. Which temple did you go? Tum kaun hai bhai kya to temple mein? Mano Nepis mandir. Bahut zamdari baat hai. Tum bhai kya karte ho? Tum motor vlog mein kya karte ho? Motor vlog mein bike traveling. Jaise laga hai waise dikhne wale. Actually, he do like capture all the special movements like from Yeah, I used to be a professional, now... Yeah, I used to be a professional, now... Hindi, Abhi. Huh? Hindi, Abhi. Sure.
से दिल्ली से बैंचोद ना आई डोंट से जयश्रीराम ब्रो से जयश्रीराम आई नो जयश्रीराम फर्स्ट कैच जयश्रीराम जयश्रीराम सनातनी आई नो दिस वर्ड दिल्ली से बैंचोद भाई एक्चुअली जयश्रीराम इज द नेम ऑफ द गॉड है जो दिखता नहीं प्राइस राउंड जयश्रीराम नेम ऑफ द गॉड आई नो प्राइस राउंड द लोगो हां प्राइस राउंड डजंट मीन इन इंग्लिश प्राइस राम अच्छा अच्छा या सेम 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 मनीष भैया भाई पहले इनका नाम बताओ हाथ ऊपर करो जिनको इनका नाम जय श्री राम मनीष जी सुबह 8:30 बजे से वेट कर रहा हूँ दो सौ बताओ भाई कहाँ से मनीष भैया ना गुजरात से आ रहा हूँ भैया हम दूर से आए हैं बरेली से आया भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे भैया छोड़ दे छोड़ दे भैया बाहर तो आ जाओ मनीष भैया मैं गुजरात से आया हूँ सुबह 8 बजे आया हूँ तो कर लो अरे अब तो रख लो मैं गुजरात से आया हूँ मनीष भैया बाइक लेने मैं कह रहा हूँ इसको अब तो रख ले भाई बंद कर तो गाइस मनीष भैया ने मेरी देखो गोल्डन वॉच और मेक दी दिया गाइस और मैं मिल गया हूँ बहुत टाइम से सुबह से वेट किया था मनीष भैया को मिलने के लिए गाइस तो अभी हम मनीष भैया को मिल पाए बहुत दिन से सोचा था दिल्ली आओ आपको मिलेंगे बहुत दिन से प्लानिंग किया था लेकिन कोई साथ में आ नहीं रहा अच्छा ओके हो जाए एक बाइक तो दे तो देख तो लेता हूँ पुणे से आया था तो फिर आपका करेक्ट नंबर चाहिए था करंट नंबर मैंने दिखा के डिलीट किया अच्छा फोटो लिया नंबर से कॉल किया पता नहीं कौन सा नंबर सही बोल देखो तो ओरिजिनल अकाउंट देखो पता लग गया कौन सा नंबर सही है वहां भी तो आपका अलग अलग है सब मैंने फॉलो फॉलो किए हैं मेरे सारे तो बहुत सारे वाले देखो कम वाला मत देखो हमारे राम भी बैठते हैं देखो भाई बैठो तो गाइस मैं फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गया था और मनीष भैया को भी मिल लिया और गिफ्ट भी दिया मेरे को गोल्डन वॉच और बैग दिया मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बैग है तो गाइस ये है गोल्डन वॉच मनीष भैया का जो ये गाइस मनीष भैया का फोटो है उनका जो आईडी का नेम है जे कम्युनिकेशन वर्ल्ड गोल्डन वॉच कैसा है वो भी दिखाऊंगा और आपको ये जो मेरे को दिया है जे कम्युनिकेशन से बैग भैया ने ये बैग था तो आपको मैं गोल्डन वॉच भी खोल कर दिखाता हूँ कैसा है में तो गाइस बहुत बढ़िया गोल्डन वॉच है तो ऐसा कुछ है गोल्डन वॉच भाई देख के आपको बेल्ट भी दिखा देता हूँ अभी मैंने ओपन आपके सामने किया नहीं है अभी करते हैं देखते हैं कैसा है कैसा नहीं मस्त
से तो बिल्ट है गोल्डन और ये वॉच है और एक एक्स्ट्रा ब्लैक बिल्ट आता है। तो गाइस बस इतना ये दोनों गिफ्ट है भाई। तो हम रुके अभी गाइस अलवर में, तो इधर हमारे ये हमारा रूम है गाइस, एक एसी वाला एसी मेरे ऊपर है गाइस ये रहा, और इधर का एसी वाला रूम का 1200 रुपया भाड़ा है। तो बस गाइस इधर स्टे करते, आज का स्टे इधर होगा अलवर में, और हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे गाइस, क्योंकि कल जितना हो सके इतना काटेंगे गाइस, क्योंकि गुजरात पहुंचना है। तो कल तो गुजरात नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन राजस्थान उदयपुर तक तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है अपनी बाइक की, जो कि गाइस उसकी मेन लाइट आगे की वो बिगड़ गई यार। तो कहीं पहले तो वो कहीं शोरूम पे या कुछ जगह पे जाके मेरे को ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस लाइट बिना कैसे जाएंगे यार रात को, जब जल्दी निकलेंगे तो लाइट बिना कैसे निकलेंगे यार। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लाइट बिगड़ गई है, तो लाइट ठीक करवाएंगे कल जाके, फिर निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन गुजरात में गाइस। तो बस गाइस ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, बाय।